हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर, लीवर का खराब होना। जैसे कि गर्मी के कारण बहुत सारी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, उसमें एक मुख्य कारण है लीवर डैमेज होना। आज के प्रेजेंट टाइम में गर्मी बहुत तेज हो रही है, जिसके कारण जी मचलाना, उल्टी आना जैसी गंध बनी हुई है, और इसका मुख्य कारण होता है लीवर। क्योंकि गर्मी के मौसम में लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम ठंडा गर्म खाते हैं तो हमारा लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब लीवर में जब प्रॉब्लम होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। अगर लक्षण की बात की जाए तो अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो वो आपको संकेत दे रहा है। संकेत में आपको सबसे पहले जी मचलाना, उल्टी आना, भूख कम लगना, चक्कर आना, काम में आलसपन, यानी कि काम में मन नहीं लगना। तो ये अगर आपको संकेत दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बीमारी फैल रही है, यानी कि बॉडी की बीमारी का संकेत शुरू हो गया है। अब अगर लीवर आपका डैमेज है तो आपको जी मचलाना, उल्टी आने जैसी शिकायत बनी रहती है। तो ये शिकायत आपको कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से होती है। अगर बात की जाए किस कारण से होती है, क्या इसके क्यूज है, तो इसके जो मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि हम आज बाजारू खाना खा रहे हैं, हम खुली हुई चीजें खाते हैं, पकौड़ी, समोसे, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, इस तरीके के हम फ्रूट और खाना खाते हैं, जिसके कारण हमारे लीवर में फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम, एचईबीटी का बढ़ना, एसबिलिरुबिन, एचईबी जैसी बीमारी बढ़ जाती है। तो अगर ये आपकी बढ़ गई है और आपको भी इस तरीके की बीमारी है, तो उसमें अगर मेडिसिन की बात की जाए, तो मेडिसिन में अगर हम बात करें तो मेडिसिन में आपको कुछ लक्षण देखने होंगे, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन ले लेनी है। अगर आपको भूख कम लग रही है या वीकनेस हो रही है और आपका जी मचलाना या उल्टी की शिकायत हो रही है, वॉमिटिंग, तब आप उस कंडीशन में एक सीरप आती है, बहुत ही बेस्ट कंपनी, इसका रिजल्ट होता है एयरलिफ्ट डीएस। एयरलिफ्ट डीएस की बात की जाए तो ये डबल फार्मूला होता है, यानी कि डीएस इसमें लिखा हुआ होता है, प्योर आयुर्वेदिक टॉनिक होता है। इसकी अगर बात की जाए तो इसके अंदर गिलो, चित्रा, गोगुण, त्रिफला जैसे तत्व मिलाए गए हैं जो प्योर आयुर्वेदिक होते हैं। और इनकी अगर बात की जाए लिफ्ट केयर डीएस सिरप की, तो ये जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी द्वारा बनाई गई है, बेल केयर रेडमेडीज कंपनी के द्वारा बनाई गई है। अगर इसकी एमआरपी की बात की जाए तो ये आपको मेडिकल स्टोर पे 125 रुपए की एमआरपी पे मिल जाती है। अगर अब इसकी बात की जाए कि आपको ये यूज कैसे करनी होती है, तो आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक ढक्कन दीदी, यानी कि सुबह शाम इस्तेमाल करनी होती है। अब एक ढक्कन छोटा भी होता है, बड़ा होता है, तो आपको 10 ml का ढक्कन ले लेना है, उसके हिसाब से आप सुबह शाम ले। अगर परहेज की बात की जाए तो परहेज में आपको अंडा, मीट, मछली, चावल का परहेज करना होता है। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।